Assalamu alaikum nazreen, welcome to your on show Bhoojo To Jeeto. Main aapki host Aleena Haroon. Aaj hum hain Amanah Mall mein jahan karne wale hain bahut saari masti, bahut saari baatein aur logo ko dene wale Lahore News ki taraf se bahut saare inaam aur unka jo chupa hua talent hai wo lekar aayenge screen par, unko mauka denge khud ko jo hai prove karne ka. To aaye logon se baatein karte hain. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ma'am. Wa alaikum assalam. Kya naam hai aapka? Zunaira. Zunaira, kya karti hain aap? मैं जॉब करती हूँ. वेरी नाइस. यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे और बच्चों को घुमाने के लिए. ओके, आपके बच्चे? नहीं नहीं, सिस्टर के बच्चे. सिस्टर के बच्चे, सिंगल? जी. ओके, वही मैं सोच रही थी, यंग हो अभी, कहाँ बच्चे. चलो जी, तो मुझे बताओ कि बच्चों के साथ, सिस्टर के बच्चों के साथ कैसा टाइम गुजरता है? अच्छा टाइम गुजरता है. लाडले हैं? लाडले हैं. और माशाल्लाह आपको पता है बच्चे जो खाला की जान होते हैं. खाला की, मेरे भी बहन के बच्चे बड़े लाडले हैं मेरे. चलो जी, सवाल करें आपसे. जी जी, जरूर. ओके, मुझे बताएं आप कि जब हम बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का वो कौन सा हिस्सा जो खुद ही को खाना शुरू कर देता है? बोन्स. खुद ही को खाना शुरू कर देता है? हाँ, आई थिंक खुद ही को खाना शुरू कर देता है. कौन सा? पेट. बड़े डेंजरस है वो. अच्छा, नहीं खाना चाहिए. अगर पेट खाए तो अच्छी बात है. जो डाइटिंग कर रहा है वो पतला हो जाएगा. पता नहीं मुझे. नहीं, क्या शेयर करेंगे आप? मैं आपके लिए सॉन्ग गाऊंगी. मेरे लिए? लाइए. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. तेरी मोहब्बत से सांसें मिली हैं, सदा रहना दिल में करीब होके. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से. थैंक यू. वेरी वेरी नाइस. आफ्रा की तरफ से आपके लिए ब्यूटी प्रोडक्ट. थैंक यू सो. थैंक यू सो. जी नाज़रीन, बहुत ही प्यारी सी लड़की थी हमारे साथ और उसने बड़े प्यारे तरीके से गाना सुनाया. मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े नसीबों से मिले हैं. वेरी नाइस. और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार करते हैं. और जब मैं अक्सर सोशल मीडिया अपना, मोस्टली तो नहीं ज़ाहरी बात है, इतने मैसेजेस चेक कर पाती, टीम मैनेज करती है, लेकिन जब मैं फ्री हूँ चाय के कप के साथ, मैं सोचती चलो आज जो है वो अपने सोशल मीडिया के जो मैसेज देखती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है कि लड़के तो डेफिनेटली आपको पता है पसंद करते हैं, इतनी लड़कियां जो हैं वो प्यार करती हैं, ऐसे मैसेज करती हैं, मैम लव यू, आप हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, आपका स्टाइल एंड ऑल. तो बड़ी खुशी होती है आप लोगों के मैसेज पढ़ के, और मोटिवेशन मिलती है. इसी वजह से मैं इस प्रोग्राम में इतनी देर से हूँ कि यहाँ मैं अपने फैन से जो है वो मिल सकती हूँ. सो लव यू गाइज. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? हुमा. आपका नाम? मोहम्मद बिलाल. कौन सी क्लास में आप? फोर्थ. क्या उम्र है आपकी? 10. आप क्या करती हैं? मैं बैंकर हूँ. ओके, आपका क्या रिश्ता दोनों का? ये मेरा नेफ्यू है. ओके, खाला. ओके, खाला है. लाडला है? बहुत ज़्यादा. शरारती भी है? बहुत ज़्यादा. क्या शरारत करता है? शरारत इसकी ये, कभी कुछ भी कह देना और भाग जाना, लाइक इस तरह से है सच. खाला कैसी लगती? बहुत अच्छी. लेकिन मैं फेवरेट नहीं हूँ इसकी. मैं फेवरेट. मैं फेवरेट. चले जी, मुझे बता दें कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, तो बॉडी का वो कौन सा पार्ट है जो खुद को खाना शुरू कर देता है? जो खुद को खाना शुरू कर देते हैं? नम नम नम. नहीं, आई डोंट नो. क्या शेयर करेंगे? मैं एक हेल्थ टिप शेयर करना चाहूँगी उन लोगों के लिए जो लोग उनके, जिन लोगों के जॉइंट्स में पेन रहती है. एलोवेरा जेल आप एक टेबल स्पून पानी के साथ सुबह नहार मुँह ले लें और वो बहुत इफेक्टिव रहेगी. आपके जो जॉइंट्स में पेन है वो ख़त्म हो जाती है. बहुत इफेक्टिव रही है. सीरियसली. वाकई में? तो वो खाएंगे कैसे? पानी के साथ सोलो कर लें आप जस्ट. वो तो ऐसे लिक्विड ही लिक्विड ही. हाँ, तो वो फ़ौरन चली जाती है अंदर. आपने कभी ट्राई किया? मेरी मदर यूज़ करती हैं और बहुत इफेक्टिव है इन रियल मीनिंग. वाह. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up about so what so high, like a diamond in the sky. Very nice. Yelin ji, Afra ki taraf se aapke liye beauty products. Thank you.
You're welcome. جی بہت اچھا لگا ان سے ہم نے بات کی. اچھا انہوں نے جو بتایا ہے کہ ایلو ویرا جیل جو ہے وہ پانی کے ساتھ کھائیں. ایو آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہوگا اس کو کھانے سے, پر وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کی مدر یوز کرتی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس میں کوئی بات ہوگی, اس کا کوئی نقصان تو ہوگا نہیں میرے خیال سے. تو وہ لوگ جن کے گھٹنوں میں یا کوہنیوں میں یا کسی بھی جوائنٹ میں جو ہے وہ درد ہو رہا ہو, تو وہ جو ایلو ویرا جیل ہے وہ پانی کے ساتھ کھائیں تو وہ اس سے ان کو آرام آئے گا. ویل یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے, امید ہے کہ اچھا ہو. کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ رمشا. رمشا کیا کرتی ہیں آپ؟ ہاؤس وائف ہیں. ہاؤس وائف ہیں. یہ آپ نے گرین آئی لائنر لگایا رائٹ؟ جی. اچھا لگ رہا ہے. کہاں سے سیکھا؟ میں خود ہی لگا لیتی ہوں. نہیں نہیں یہ شوق کہاں سے سیکھا کہ ہائی لائٹر بھی لگ سکتا ہے ایسے؟ میں نے کورس کیا ہوا بیوٹیشن کا. اوکے کہاں سے کیا تھا؟ میں کالج سے. کتنے دیر کا تھا وہ؟ تھری منتھس کا. تو کیا کیا سیکھا اس میں آپ نے؟ اس میں بس اتنا سیکھ لیا کہ میں اپنا خود تیار ہو سکتی ہوں. اور شادی وغیرہ پہ بھی خود تیار ہوتی ہوں؟ جی. اچھا ہو جاتی ہو؟ گڈ. چلے جی مجھے بتائیں کہ ہماری باڈیز میں جو دو کڈنیز ہیں, ایک لیفٹ ہے ایک رائٹ ہے, تھوڑی سی جو اونچی ہے وہ کون سی والی ہے, رائٹ والی یا لیفٹ والی؟ دونوں ایکول ہیں. نہیں ایک اونچی ہے. رائٹ. غلط جواب. کیا شیئر کرو گی؟ ریسیپی. میں کسٹرڈ کی ریسیپی شیئر کروں گی. اور کسٹرڈ بنانا بہت ہی آسان ہے. پہلے دودھ لیں, اس کو بوائل کریں اور کسٹرڈ کو علیحدہ سے ڈیزولو کر کے اس میں ڈال دیں اور چینی کو ایڈ کر کے ڈیزولو کر دیں تو کسٹرڈ ہمارا ریڈی ہو جائے گا. سمپل سا. ویری نائس. تو کوکنگ کون کرتا ہے گھر میں؟ میں بھی کرتی ہوں, میری نند بھی کرتی ہیں, میری ساس بھی کرتی ہیں. زیادہ تر کون کرتا؟ زیادہ تر میری نند اور میری ساس کرتی ہیں. آپ کیوں نہیں کرتے؟ میرا چھوٹا بیبی آ تو میں اس کو سنبھالتی ہوں. اوکے جی. نا یہ ہے آفرا کی طرف سے آپ کے لیے بیوٹی پروڈکٹ. یو ویلکم. جی ناظرین بڑی کیوٹ سی لڑکی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ اس نے جو ہے وہ کورس کیا ہوا ہے. اچھا بہتر ہے لڑکیوں کو جو ہے وہ اٹس سیلف گروم ہونا چاہیے, بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ خود کو کچھ بھی نہ آئے, بس جا کے سیلون بیٹھ جاؤ کہ ہمیں جو ہے وہ آپ سب کچھ کر دیں. اٹس سیلف آپ کو تھوڑا بہت کام آنا چاہیے تاکہ کوئی ایونٹ ہو کوئی فنکشن ہو تو آپ خود بخود تھوڑا بہت تو ریڈی ہو جائیں. اور ہر وقت سیلون جانا اور ہر وقت کہنا اگلے کو کہ اپنے آپ کو خود ریڈی کرو, آپ میرے پروگرام میں اس پروگرام میں میں خود ہی تیار ہوتی ہوں. اٹس سیلف اوور آل میں میک اپ جو ہے وہ اپنا خود کرتی ہوں. تھوڑا آپ میک اپ کریں اچھا لگے گا. کسی اور سے بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عمار علی. حماد کیا کرتے ہو؟ اسٹڈی کرتا ہوں. کیا پڑھ رہے ہو؟ آئی سی ایس ان پنجاب. اوکے چلو میں کوسچن کرتی ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مجھے بتاؤ سب سے زیادہ لوگ کس ملک میں گھومنے کے لیے جاتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ. نہیں سوئٹزرلینڈ از ویری ایکسپینسو تو ہر کوئی وہاں نہیں جاتا, بلکہ لوگ موسٹلی وہاں جاتے ہی نہیں ہیں. دبئی. لندن. سعودیہ. کیا شیئر کرو گے؟ سانگ. دل دیاں گلاں ہے کراں گے روز روز بہ کے اکھ نال اکھ نو ملا کے. دل دیاں گلاں ہے کراں گے نال نال بہ کے سچیاں محبتاں نبھا کے. تینوں لکھاں تو چھپا کے رکھاں اکھاں چ سجا کے تو میری وفا رکھ اپنا بنا کے. میں تیرے لئی تیرے لئی آیا را نہ پائیں کدے دوریاں ہے. تینوں لکھاں تو چھپا کے رکھاں کھانچ سجا کے تو میری وفا رکھ اپنا بنا کے. میں تیرے لئی آیا را نہ پائیں کدے دوریاں. میں جینا تیرا میں جینا تیرا تو جینا ہے میرا. دس لینا کی نخرا دکھا کے دل دیاں گلاں کراں گے نال نال بہ کے اکھ نال اکھ نو ملا کے. ویلکم. گانا سیکھتے ہو؟ نہیں نہیں کیسے نہ کرو.
गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है जी। ये जो कैसे कर लेते हैं? ये भी गॉड गिफ्टेड है, पर ये फिर भी कहीं से तो सीखी होगी ये। ये मेरे मोहल्ले में एक जुनेद भाई है, मैं उनसे जो भी मुझे कोई कमी होती है मैं उनसे सीख लेता हूँ। वही ना, कोई तो है ना। नहीं ज़्यादा तोड़ नहीं, मैं उनके पास टाइम नहीं स्पेंड करता, वैसे ही गुजरे होते हैं तो मैं उनसे कुछ। सिंगर बनना है? जी बनना। चले जी, वो लोग जो इनको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग इनको देखते हैं, प्लीज़ इनको सपोर्ट करें और इनको प्रमोट भी करें, इनको मौका दें ताकि वो स्क्रीन पर आए। ठीक है, थैंक यू। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गए। थैंक यू मैम, सो वेलकम। जी बहुत अच्छी आवाज़ से इनकी, मज़ा आया, हमने इनसे बात की और गाना भी इन्होंने वो बहुत अच्छा सुनाया और करके जो था वो इन्होंने बड़ा अच्छा किया था। वो आप लोगों को इजी लग रहा होता है, इट सेल्फ इज़ नॉट दैट मच ईजी ना, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कहाँ पर आपको साउंड ऊँचा करना है, कहाँ पर आपको साउंड नीचा करना है, दिस इज़ समथिंग वेरी इम्पॉर्टेंट। तो खैर किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मलिक दवार हुसैन। आपका नाम? रोहा जवार। कौन सी क्लास? 5। उम्र? 8 वोट 11। पहले डिसाइड कर लो। 11 ईयर। 11। आप क्या करते हैं? आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। ओके जी, शॉपिंग करने आए हैं? जी जी। क्या लिया? अभी एक सूट लिया मिसेज के लिए। और आपने क्या लिया? मैंने अभी कुछ भी नहीं। तो लो ना। लूंगी, अभी तो आए हैं। अभी तो आए हैं तो सुबह स्कूल नहीं जाना? जाना है। तो सोगी कब? थोड़ा जब इधर से जाएंगे। तो कितने बजे सोती हो रोज? 10 o'clock। अच्छा, और उठती कितने बजे? 6। ओके चलिए जी, मुझे बताएं आपसे मेरा क्वेश्चन है कि वो कौन सा कंट्री है जहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अपने रहने वालों की जो खुशी है उसको हर साल मेजर करती है कि कितने परसेंट लोग जो हैं वो खुश हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। आपने बताना है, हम कुछ नहीं बताऊंगा। स्कैंडिनेवियन कंट्री है हमारी। नो। क्या शेयर करेंगे जी? क्या शेयर करेंगे आप? ये मिली नगमा। ये लो बेटा। यूं थी हमें आज़ादी के दुनिया हुई है आज, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। यूं थी हमें आज़ादी के दुनिया हुई है आज, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान। हर सिमत मुसलमानों पे छाई थी तबाही, मुल्क अपना था पर गैरों के हाथों में थी शाही, ऐसे में उठा दीन मोहम्मद का सिपाही और नारे तकबीर से दी उसने गवाही। इस्लाम का झंडा लिए आया खुल मैदान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, ए कायदे आज़म तेरा एहसान है। वाओ, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ा मज़ा आया, बहुत यही फैमिली थी। और बच्चों को प्लीज़ जो है वो टाइम से सुला दिया करें, 12 एक एक बजे तक बच्चे जो हैं वो फिरते रहते हैं, तो सुबह उठते हैं तो स्कूल में जाके मोस्टली बड़ी कंप्लेन आई। आप लोग ज़रूर पढ़ा करें जो सर्वेज वगैरह होते हैं, इसमें एक बड़ी कंप्लेन आई है कि जो बच्चे हैं वो क्लासरूम में आके सो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि आप लोग उनको 12 बजे तक जगाते हैं, तो बच्चों को टाइम से सुलाया करें। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आसिफ अब्बास। आसिफ क्या करते हैं आप? मेरी शॉप है ऊपर। किस चीज़ की? ज्वेलरी और बैग्स की। ओके वेरी नाइस। तो डेली किस तरह के लोग जो हैं वो आते हैं? मुख्तलिफ इकसाम के लोग आते हैं, कुछ ले जाते हैं, कुछ विंडो शॉपिंग करते हैं। मोस्टली विंडो शॉपिंग वाले कितने होते हैं? मोर देन 80%। इतना टाइम होता है लोगों के पास? बस होता है, यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं विंडो शॉपिंग के लिए। ये बड़ा 80% से ज़्यादा, वाओ। मेरा तो ये हाल होता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए वो कहते कब जाएँ। खैर चले जी, सवाल करते हैं आपसे, ठीक है? मुझे बताएं कि इंसान जब बहुत ज़्यादा डाइटिंग करता है तो उसकी बॉडी का वो कौन सा हिस्सा है जो ख़ुद को खाना शुरू कर देता है? हिस्सा? फैट्स?
फैक्ट्स। क्या शेयर करोगे? मैं सेफ्टी टिप शेयर करूँगा। जितने भी लोग हमारे मॉल्स में आते हैं और डिफरेंट जगह पर जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी अगर आप फायर अलार्म की आवाज़ सुने तो बेशक जितना ज़रूरी काम हो आप उसको वहीं पे छोड़ दें और उस बिल्डिंग से जल्द निकलने की कोशिश करें, क्योंकि आप उस बिल्डिंग में अनसेफ़ हैं। जब तक फायर अलार्म की आवाज़ आती रहेगी आप लोग अनसेफ़ हैं, आपके लिए वो बिल्डिंग जो है वो सेफ़ नहीं है। वहाँ से आप एवैकुएट करें ताकि आप भी सेफ़ रहें और दूसरों को भी महफूज रख सकें। वेरी नाइस, हार्ड न्यूज़ की तरफ से आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम जी। इन्होंने वाकई में बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है। ये आपको अलार्म अगर मिले कहीं से भी फायर का, तो वो ये ना सोचें कि हाय है बस थोड़ा सा सामान लेके मैं लेके निकल, भागे, वो कहते हैं दौड़ लगा देना। हाँ, बोल रहे हैं दौड़ लगा दे बाहर की तरफ। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आफाक। आफाक, सामने देखें टी वी में, क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बिजली का काम? नहीं, बिजली का काम कैसा बिजली का? मजाक कर रही हूँ। अच्छा चलो मुझे बताओ कि मॉल में क्या करने आए हो? मॉल में वैसे ही मैच इंजॉय करने आए। कैसे होता है मॉल में इंजॉय, मुझे भी बता दो। बस ये बताओ इंजॉय करने आए कैसे करते हो इंजॉय? अपने आप को फ्री था तो मैं सोचा चले आए यहाँ से। वो तो समझ आई। इंजॉय कैसे किया? ये घूम फिर के इंजॉय होता है। अच्छा चलो मुझे बताओ ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? लीवर। स्टमक। क्या शेयर करेंगे आप? मैं एक मैसेज शेयर करना चाहूँगा। नाउडेज एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। बी वेयर अ हेलमेट, बी सेफ, बी स्मार्ट। सॉन्ग नहीं आता? नहीं मैं करता। कोई शेर? नहीं। कोई जोक? जोक। अब इस पे मैं क्या गिफ्ट दूँ? हेलमेट तो सभी पहनते हैं, कुछ शेयर करना पड़ेगा। इस पे क्या गिफ्ट हो? हेलमेट की वजह से इंसान की जान बच सकती है। वो तो सबको पता है, आप सबको पता है। कोई मानता है? कोई अच्छी चीज शेयर करो जो मजे की बात हो, कोई फन हो। जोक सोचो, कोई जोक, कोई शेर, कोई जोक, कोई सॉन्ग, कोई रेसिपी, एनीथिंग। यू हैव टू थिंक और यू नीड टू अर्न द गिफ्ट। सोचो कुछ अच्छा ताकि तुम्हें मजा आए गिफ्ट, और मुझे भी अच्छा लगे गिफ्ट देके। सोचो, टाइम है तुम्हारे पास, सोचो। किसी की कोई एक्टिंग, कोई हीरो कोई पसंद हो? इमरान खान कोई किसी की? चलो दिखता तो मैं बहुत स्वीट और इनोसेंट स्वामी टाइप का, मगर हूँ मैं अंदर से बहुत बड़े हरामी टाइप का। लर्निंग्स की तरफ से आपके लिए वेरी नाइस। यू वेलकम जी। एक स्वीट सा बच्चा था और उसने एक मैसेज शेयर किया था, तो अब से मैं सबको बता रही हूँ ऐसे कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा, यू नीड टू अर्न द गिफ्ट। मैंने आराम से गिफ्ट क्या देना शुरू किया, चाय में पत्ती डालें, चाय बन गई, गिफ्ट दे दें। अरे ऐसे थोड़ी ना होगा, कोई अच्छी चीज़ शेयर करोगे तो गिफ्ट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? निशा इजहार। आपका नाम? मोहम्मद जाजी। कौन सी क्लास में? फोर। आप क्या करती हैं? I'm a housewife and mother of 3 kids. Okay, चले जी मैं आपसे सवाल करूँ जी। मुझे बताएं कि जब हम बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी का वो कौन सा हिस्सा जो खुद को खाना शुरू कर देता है? जो खुद को खाना शुरू कर देता है, स्टारवेशन मोड में आ जाती है आपकी बॉडी जब आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग करते हैं, तो वो आपके फैट्स आई थिंक, नहीं मसल्स मास जो होता है, कौन सा होता है मुझे इसका पता था लेकिन इस टाइम जहन में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, क्या शेयर करेंगे? मैं एक ब्यूटी टिप शेयर करूँगी फॉर पिम्पल्स, कि अगर आपके फेस पे पिम्पल्स हैं तो आप एक चम्मच दही में एक चुटकी मीठा सोडा मिक्स करके पिम्पल्स पे अप्लाई करें और उसके बाद फेस ल्यूक वार्म वाटर से वॉश कर लीजिए। बहुत भी बेस्ट है ये पिम्पल्स के लिए। वेरी नाइस। सर आप? मैं पॉइंट्स लूंगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर,
above the world, so are like a diamond in the sky. Wow! Very nice. Ye liji, Afra ki taraf se aapke liye beauty products. Thank you. Ji, unhone jo hai tip di. Aur acha, to ye main aapko bata dun ki ek aapki body ka ek part hai. जो आप बहुत ज़्यादा डाइटिंग करेंगे तो वो ख़ुद को खाना शुरू कर देगा, वो है ब्रेन. तो ये प्लीज़ जो वो लोग हैं जिनको लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा डाइटिंग करेंगे तो वो पतले हो जाएंगे, तो आप पतले तो पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन भिड़ा गर्क ज़रूर हो जाएगा. जब आपका ब्रेन ही ख़ुद बॉडी को खाना शुरू कर देगी तो वो काम नहीं कर पाएगा, और खुदा ना ख्वास्ता बहुत सारी इसको नुकसान हो सकता है बॉडी को. तो इस तरह डाइटिंग ना करें. जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक.